सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम है शिवम कुमार और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने खेत में 100 क्विंटल से भी ज्यादा पैदावार की है। न सिर्फ पैदावार की है बल्कि कम खर्च में बिना डाई के इन्होंने 100 क्विंटल से ज्यादा पैदावार की है। ये है हमारे ताऊ जी, पड़ोस के ही हमारे खेत की जड़ में इनका खेत है। नमस्ते ताऊ। राम राम जी। ताऊ जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि आपका 125 का खेत है, तो उसमें दर्शकों को बताओ कि कितने क्विंटल गन्ना उसमें हो गया। भाई ऐसा है, हमारा गन्ना हो गया 130 क्विंटल। 130 क्विंटल, तो ये तो 100 क्विंटल से भी ज्यादा हो गया। हां, 125 है ना। 125 है तो 130 क्विंटल हुआ। शुरू से बात करते हैं, पिछले साल आपने मार्च में बुआई की थी। अगेती बुआई हो जाती है मार्च की, होली जल्दी थी पिछले साल तो इन्होंने होली पे ही बुआई कर दी थी। आप ये बताइए कि आपने बुआई में क्या क्या डाला था। बुआई में गेरा भाई कुछ भी हमने सुना। बुआई मतलब खाली कर दी। ऐसे ही फूट पड़े, कंची गिर दी और मेड़ा लगवा दिया। सूखे में बुआई थी या आले में थी, मतलब पड़े करके थी? पड़े की थी। पड़े की थी और आपने डायरेक्ट कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। फिर आपने 20 दिन बाद 25 दिन बाद क्या किया उसमें? पानी दिया होगा 20 दिन बाद? हाँ, जब जमी आया जब खुड़ नहीं खड़ी के जब पानी दिया तो पानी दे दिया आपने। फिर खुरपा खाद डाला? फिर नहीं, खुरपा फिर खुरपा। मतलब सारा खेत खुरपे से नुलाई? हाँ, सारा खेत खुरपे से नुला। नहीं, बुआई करी थी बड़द या किस चीज? बाद में बुआई तो बाद में। मतलब बुआई बाद में ट्रैक्टर वगैरह से कोई बुआई नहीं किया? कोई नहीं करी। तो खुरपा पूरे खेत में खुरपा निकाल? पूरे खेत में 3 बार खुरपा कट जा, 1 बार नहीं 3 बार नुड़ा आयो। पूरे खेत में 3 बार खुरपा और 2 बार कट जा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार खुरपा काटा बिना निकाले, बिना बाए? बिना बाए। और अगली 2 बार में 2 बार बलद से भाया, फिर खुरपा निकाला। हाँ जी। तो फावड़ा क्यों नहीं, खुरपा क्यों नहीं? खुरपा नहीं, फावड़ा नहीं मारे हमने, खुरपा नहीं। खुरपे का ऐसा क्या लाभ है? खुरपे का इतना लाभ है, करके देखो, किसान की यही तो कमाई है। जिस खेत में आप खुरपा लगाओगे, खेत में फावड़ा लगाओगे, खेत में बुआई करो आप, देखो खुरपे का निरोड करेगा, फावड़ा करेगा। आगे अब बात ये आती है कि आपने फिर उस पहले पानी के बाद क्या खाद डाला, उस पे क्या डाला? हमने कराया जो तीसरे पानी पे डाला। तीसरे पानी पे खाद गया। तो आप ये बताइए, आपने फिर उसमें क्या क्या डाला तीसरे पानी पे? आप बताइए। तीसरे पानी पे 3 धड़ी यूरिया 3 धड़ी डाई। मतलब आपने तीसरे पानी पे डाला 3 धड़ी यूरिया 3 धड़ी डाई। कोई कीटनाशक? कोई नहीं गिरा कीटनाशक। कोई क्लोरो वगैरह? क्लोरो फ्लोरो कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया इसमें। मतलब आपने बस 3 धड़ी डाई और 3 धड़ी यूरिया? हाँ जी, बस। तो उसमें तो कुछ ना के बराबर खर्च हुआ? कुछ खर्च तो कुछ नहीं। फिर हल काट दिया। फिर हल निकाला चौथी बार? हाँ, चौथी बार हल काट के छोड़ दिया। और कीटनाशक स्प्रे वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, कीटनाशक एक स्प्रे नहीं मारी। 3 धड़ी यूरिया? हाँ जी। 90 रुपए का हो गया। 15 किलो डाई 135 रुपए धड़ी है, वो हो गई लगभग 405 की हो गई। 405 और 90 495, मतलब 500 रुपए में। 500 रुपए में हाँ, नुकसान 500 रुपए में खेत हो गया। हाँ जी, तैयार। पर बिना कीटनाशक के कैसे हो? कुछ नहीं गया। कोई कीटनाशक दवाई देखा नहीं आपने? कैसा नहीं देखा ही, आपका बहुत अच्छा था। और आप कीड़ा भी नहीं था? कोई कीड़ा नहीं। कीड़ा हो तभी तो गिरेंगे दवाई हम। बा कीड़ा लगे खेत में तभी तो कुछ डर लेंगे हमें। कीड़े की होगी, वह कीड़ा है हमारी खेत में। जब कीड़ा लगा ही नहीं? नहीं। वो क्यों नहीं लगा, ये तरकीब क्या थी भाई? अब बताओ भाई, जो कुदरत की लीला है भाई। तो मेरा सवाल ये, ऐसी कौन सी तरकीब थी आपके पास कि उसमें कीड़ा लगा ही नहीं? बस खुरपे की मेहरबानी तो है, 3 खुरपे गड्ढे है, 3 खुरपे का मान करो तो 6 बार बुआई कर दी हो और खुरपे से कीड़ा नहीं लगता आपका मानना है? हाँ, खुरपे से कीड़ा नहीं लगता, जिस कारण उसमें कीड़ा नहीं लगा और आपको कीटनाशक डालना ही नहीं पड़ा। हाँ जी। मतलब कि 500 रुपए में 125 खेत हो गया, जहाँ तक लोगों के 3-3, 4-4 हजार रुपए लग जाते अगर कोई और लगा हो जो, हमने नहीं लगाया जी बिल्कुल। तो ये 103 क्विंटल का बीघा इन्होंने उगा दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये नहीं 103 क्विंटल उगाना, बड़ी बात है कम खर्च में उगा। हाँ, कम खर्च में। खर्च उगाने वाले तो बहुत है, दवाइयां बहुत सारी है, डल के हो जाता है 100 क्विंटल, लेकिन कम खर्च में हो जाना। हाँ, तो उसका एक ही निष्कर्ष निकला है अब तक, खुरपा। खुरपा ये कहते हैं कि खुरपा निकालो, 3 बार खुरपा काट दो खेत में। और इस साल आपने बुआई की? इस साल बुआई की आपने? हाँ, बो दिया। कितने बीघे बोया अभी? अभी बो दिया 2.5 बीघे। 2.5 बीघे बो दिया। उसमें क्या डाला? उसमें डाई गिर दी 6 धड़ी। अच्छा, अभी आपने इस बार पहले डाई क्यों गिरी?
तजर्बा लेकर देखेंगे। अच्छा इस पहाड़ तजर्बा, हाँ तो दो धड़ी का बिगा आपने डाई की, तो बस डाई डाई की, बस डाई कीटनाशक कुछ नहीं, मतलब आपको फिर से विश्वास है कि आप खुरपे से करोगे तो उसमें कीट कीड़ा कोई नहीं लगेगा? हाँ खुरपा खुरपा फिर खुरपा लगाऊंगी मैं। कितने बार? तीन बार तो कर ही देंगे, मतलब तीन बार खुरपा। हाँ जी ठीक है, आपने जैसे बोर्ड के बारे में तो जानकारी दे दी, हाँ। पेटी के बारे में बताओ, जो कट गई है वो बोर्ड कट गया है, उस पेटी में क्या करो? जैसे पेटी कट गई है कुछ कबाड़ा है पानी देंगे फाड़ देंगे, हाथ तुझे स्प्रे भी मारते हैं कुछ, तो पर आप हाथ से ही फाड़ दोगे? हाथ से फाड़ देंगे। ठीक है, अब उसमें दवाई स्प्रे नहीं मारी कुछ, उसमें अब डाई वगैरह कुछ डलेगा पेटी में? पेटी में घेर देंगे डाई। नहीं घेरते हो कि नहीं घेरते हो? अब क्या घेरेंगे, डाई कितनी गिरेगी आप पेड़ी में? पेड़ी का बीघा तो गिरना पड़ेगा, पांच किलो गिरती है। और यूरिया गिरेंगे? यूरिया कीटनाशक? कीटनाशक तो अभी फिलहाल की जरूरत तो है नहीं। अच्छा पर जो कीड़ा लगेगा, लगेगा तो गिरो, तो हर जब जब लगाओगे। ये कहना चाह रहे हैं कीड़ा लगे तो ही गिरो, वरना गिरो ही ना, गिरो ही ना, गिरो ही ना। इनका ये मानना है कि इनके बोर्ड में कीड़ा लगा ही नहीं तो इन्होंने डाला ही नहीं कोई मान नहीं, बिल्कुल। और इनका ये भी मानना है कि इस पेड़ी में भी नहीं लगेगा, हाँ तो नहीं लगा तो डालेंगे ही नहीं, अगर लग गया तो डाल देंगे। हाँ जी। कितनी उम्मीद है जिसका बोर्ड 103 क्विंटल का बीघा निकल गया, पेड़ी कितने की निकलेगी? यही वीडियो अब से 6 महीने बाद बनाई जाएगी, हाँ। और फिर देखा जाएगा आपकी पेड़ी कितनी निकली। आप तो कितनी उम्मीद है आपको ये पेड़ी कितने निकलेगी? भाई पेड़ी में भी मानना हो, पेड़ी तो बत्ती निकलेगी, ज्यादा तो निकलती है, 5 क्विंटल तो मतलब आप कह रहे 135 क्विंटल हो जाएगी वो, जैसे 130 निकला तो 135 हो जाएगा, 35 तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इनसे वीडियो बनाएंगे अब से 6-7 महीने बाद तो कटी जाएगी, 6-7 महीने बाद, 7 महीने बाद तो कटी जाएगी, पहले शुरू में ही काटेंगे उसे, हाँ। तो देखेंगे जरूर कि भाई कितना हुआ उसमें। ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी भाइयों को राम राम।